दोस्तों आज मैं आपको ITI वायरमैन का पूरा करियर पाथ मात्र 4 पॉइंट्स में बताऊंगी, जिसमें पहला पॉइंट है इस कोर्स में आप क्या स्किल्स सीखेंगे, दूसरा कंपनी को कौन सी स्किल्स चाहिए, तीसरा इस कोर्स के बाद जॉब्स के क्या क्या ऑप्शन हैं, चौथा और आखिरी पॉइंट है अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ITI कोर्स के बाद करियर को बेहतर बनाने के लिए आपको आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक भी सेकंड मिस ना करें। वायरमैन जिसकी आज के समय में हर किसी को जरूरत होती है, जब भी घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है या फिर घर की बत्ती गुल हो जाती है तो हमें सबसे पहले याद आता है वायरमैन। और आज मैं आपको ITI की वायरमैन ट्रेड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस कोर्स में आपको कौन सी स्किल्स सिखाई जाएंगी। स्किल्स के बारे में बात करूं तो आपको वायरमैन से जुड़ी सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं, चाहे फिर वो तारों को जोड़ना हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि इन्वर्टर, AC, इंडक्शन मोटर समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इंस्टॉल करना हो या फिर वायरिंग सर्किट्स की टेस्टिंग करना हो। 2 साल के इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 पास होनी चाहिए, मतलब कि आप सिर्फ 8 क्लास पास करने के बाद वायरमैन ट्रेड में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ITI और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक जरूरी जानकारी, अगर आप भी एक अच्छी जॉब की तलाश में हैं तो अभी डाउनलोड करें श्रमिन जॉब्स ऐप, क्योंकि हमारे ऐप पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। कंपनी को क्या चाहिए? वायरमैन ट्रेड पूरा होने के बाद हर किसी का सपना होता है कि उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनीज की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? क्योंकि किसी भी कंपनी में वायरमैन की जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज एक कुशल वायरमैन में क्या क्या स्किल्स देखती है। स्किल्स की बात करें तो आपको बिजली की तारों और उपकरणों की इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करना, आउटलाइन ड्राइंग्स, हैंड ड्राइंग्स को पढ़ना और सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अच्छे से समझ होनी चाहिए। अगर आप ये सब काम अच्छे से करना जानते हैं तो आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अब करते हैं सबसे ज़रूरी बात, यानी कि वायरमैन ट्रेड के बाद जॉब्स के क्या ऑप्शंस होंगे। इस ट्रेड को करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जॉब्स के ऑप्शंस हैं। आप किसी भी ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्कशॉप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हॉस्पिटल, स्टील प्लांट्स में नौकरी कर सकते हैं, आप भारतीय रेलवे, भेल, मिलिट्री, इसरो और DRDO में भी जॉब कर सकते हैं। आप चाहें तो देश की टॉप प्राइवेट कंपनीज जैसे कि अडानी सोलर, टाटा पावर और डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी जॉब पा सकते हैं। अब बात आती है वायरमैन की सैलरी की। गवर्नमेंट सेक्टर में वायरमैन के तौर पर आप 25,000 से 35,000 रुपए महीने के कमा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में आप 15,000 से 20,000 रुपए महीने के कमा सकते हैं। बात करें ITI वायरमैन के करियर पाथ की तो आप एंट्री लेवल पर एज अ फ्रेशर, हेल्पर, ट्रेनी, वर्कशॉप असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं। मिड लेवल यानी कि 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस लेने पर आप लाइनमैन, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर की नौकरी कर सकते हैं। सीनियर लेवल यानी कि 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप फोरमैन, शिफ्ट इंचार्ज, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंचार्ज की पोस्ट पर नौकरी कर सकते हैं। अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज, वायरमैन ट्रेड पास करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप चाहे तो कोर्स के बाद अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री एडमिशन्स भी ले सकते हैं। अगर आप ITI इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से CITS कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये थी वायरमैन ट्रेड की कंप्लीट करियर पाथ मात्र 4 पॉइंट्स में। उम्मीद है कि इस ट्रेड को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। ये कोर्स करने के बाद आपको नौकरी की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रमिन जॉब्स आपके लिए लाया है ITI और डिप्लोमा की सभी टेक्निकल ट्रेड से जुड़ी ढेर सारी जॉब्स। तो नीचे दिए गए लिंक से अभी श्रमिन ऐप डाउनलोड करें और अपनी मनचाही कंपनी में अपनी मनचाही जॉब पाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं, आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।